वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हम सैमसंग गैलेक्सी A20 मोबाइल का मोबाइल रीसेट कैसे करते हैं आसान तरीके से। तो मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी A20 मोबाइल को रीसेट कैसे करते हैं। हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जैसे कि आपने देखा टॉपिक मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, तो आपको आपके सामने एक मोबाइल मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी A20 जिसको हमने करना है रीसेट। और रीसेट करने का तरीका आज हम जानेंगे कैसे आप इसे रीसेट करते हैं बड़े आसान तरीके से। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसके ज़रिए आप अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए आपको जो ईमेल है सैमसंग अकाउंट जो ईमेल का पासवर्ड पता होना चाहिए तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम कम होगी, या अगर आपको उसका पासवर्ड नहीं पता थोड़ा आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो चलिए लाइव प्रूफ के साथ हम जान लेते हैं कैसे इसे रीसेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, आप नीचे स्विच पे ओके करें, थोड़ा सा पहले इसका लॉक खोल लेते हैं। उसके बाद लॉक खोलने के बाद इसे पहले स्विच ऑफ कर देते हैं मोबाइल को, तब जाके आपको जो मोबाइल है रीसेट होगा। तो इसे हम आपका स्विच ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ कर लिया। जैसे ही आप इस मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेते हैं तो उसके बाद आपको करना है क्या, जो स्विच का बटन होता है उसको आपको थोड़ा सा प्रेस करना है नीचे। उसके बाद आपको वॉल्यूम का अप वाला बटन जो होता है ऊपर का उसको ऊपर से प्रेस करना है, दोनों को एक साथ आपको प्रेस करना है। जैसे आप दोनों को एक साथ प्रेस करते तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद मोबाइल छोड़ देना है, थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद जो आपका जो मोबाइल में जो सेटिंग्स है इस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो ऊपर आप वॉल्यूम पर ऑफ पे करेंगे तो ऊपर जाएंगे, डाउन पे करेंगे तो नीचे जाएंगे। अगर उसके ओके करना है तो आपको स्विच का जो बटन होता है उसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये ओके हो जाएगा। तो हम इसे और रीसेट कर लेते हैं, और रीसेट करने के लिए हमें ओके पे बटन दबा देना है। और अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो वॉल्यूम का जो अप डाउन है इसे आपको प्रेस करना है, तब जाके ऊपर नीचे होगा। तो ये देख सकते हैं आप पूरा जो है ना यहाँ पर रीसेट होने वाला हमारा मोबाइल। तो थोड़ा सा वेट करते ही हमारा मोबाइल रीसेट हो चुका है। आपको आप तो जान चुके कैसे या फिर ये मोबाइल को रीसेट मारते, बस थोड़ा सा आपको नीचे स्विच पर और अप वाले बटन पर आपको वॉल्यूम के अप वाले बटन पर थोड़ा सा प्रेस करना है। जैसे आप इसे प्रेस करते दीजिए आपको मोबाइल पूरा रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट होने के बाद आपको जो भी डेटा है इसमें से सब कुछ चला जाता है। यहाँ पर आपको ईमेल का पासवर्ड हो या ना हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये ईमेल दोबारा मांगता नहीं है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर आसान हो जाता है जब आपको कोई ईमेल ही नहीं मांगता। थोड़े से वेट करते और देख लेते, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा वेट किया तो इसके बाद ये इंस्टॉलेशन हो रहा है जो एप्लीकेशन आप देख लीजिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो रहा है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को नए तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह के वीडियो अपडेट हम रोज़ाना डालते रहते हैं इसमें। तो चले ये हो चुका हमारा इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन, आपको पूरा मैं दिखा देता हूँ कैसे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर ये एक्टिव होगा हमारा मोबाइल। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा ईमेल हमें मांगा नहीं गया, वरना होता क्या कभी कभी कोई मोबाइल रीसेट मारने के बाद हमको ईमेल यहाँ पर देना पड़ता है। अगर आपको ईमेल पता है पासवर्ड पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आपको बड़ी परेशानी हो जाती इस वक्त जब आप मोबाइल रीसेट मारते। तो चलिए ये हो रहा हमारा मोबाइल रीसेट, थोड़ा सा वेट कर लेते और पूरी जो प्रोसेस इसको सेटअप करने का वो सेटअप कर लेते। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं आसान तरीके से, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको थोड़ी सी यहाँ पर दिमाग लगाने का काम है, बस उसके बाद आपका जो मोबाइल रीसेट हो जाता है। जो भी सेटअप करने की एक्सेस परमिशन जो मांगते हैं आपको दे देना है, और इसी तरह से आप अपने जो मोबाइल है रीसेट मार लोगे और सेटअप भी कर लोगे। तो आज का था ये हमारा वीडियो कैसे आप अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं सैमसंग A20 मोबाइल को। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रोसेस हमने आपको दिखा दिया, ये हमारा मोबाइल रीसेट भी हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हम होम पेज पर आएंगे तो ये हमें जो भी परमिशन मांगते हैं बार बार उसे दे देनी है। तो ये थोड़ा हमारा जो मोबाइल है उसकी चार्जिंग जो है थोड़ी सी लो थी, इस वजह से हमारा यहाँ पर ब्लैक हो गया मोबाइल। तो ये देखिए अब हो गया हमारा जो रीसेट मारना था जो कंप्लीट प्रोसेस हमने कर लिया, और हमारा जो रीसेट हो गया मोबाइल और पूरा के पूरा डेटा ऐसे इरेस हो गया। अब ये फिर एकदम क्लीन सा ये मोबाइल हमें अब नज़र आएगा, आप देख सकते हैं ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर खुल गया। अगर आपको आपके मोबाइल में पैटर्न भी गिरा है तो आप भी इसी तरह से इसे तोड़ कर इसे खोल सकते हैं। और ये हमारा जो मोबाइल है यहाँ पर ऑन हो गया, अब इसे सेटअप भी पूरा होगा। जब देख सकते हैं पूरा के पूरा यहाँ पर हमने मोबाइल को रीसेट मार दिया है। तो ये था हमारा मोबाइल सैमसंग A20 जिस
को हमने आज रिसेट करने का तरीका बताया, कैसे आप रिसेट करते हैं।